नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ मनप्पुरम गोल्ड लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो इस एप्लीकेशन में आपको कैसे लॉगिन्स वगैरह करना है सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। दोस्तों गूगल प्ले स्टोर में तो एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि मनप्पुरम गोल्ड लोन एप्लीकेशन में आप लॉगिन कैसे करेंगे और रजिस्टर कैसे करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं ढेर सारा डाउट इसका क्लियर करने वाला हूँ। आपको कोई भी डाउट इस वीडियो देखने के बाद नहीं रहने वाला है। तो सबसे मेन चीज़ जो है आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, तभी आपको इसमें लॉगिन करने का पूरा प्रोसेस समझा पाऊंगा। तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद यहाँ पे जो ओपन वाला बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसमें क्लिक करते कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, जहाँ पे आपको पहला लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ सकता है। तो अब नया ओपन करेंगे तो आप इतना सारा लैंग्वेज यहाँ पे सपोर्टेबल, इंग्लिश है, हिंदी है, तमिल है, उड़िया है, देख सकते हो बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है दोस्तों, आप इंग्लिश सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड ऐसा आपके सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड है, एमपिन है, फिर यहाँ पे नीचे देख सकते हैं क्विक पे है, डोरस्टेप गोल्ड लोन है, व्हाट्सअप है, आस्क मेरा है, सारा चीज़ यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मेन चीज़ जो चीज़ अभी करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। नीचे में आपको रजिस्टर वाला बटन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पर एक बार टैप कर देना है। रजिस्टर वाले बटन पर टैप करते यहाँ पे कस्टमर आईडी मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और ईमेल आईडी दोस्तों यहाँ पे मांगा जाता है। कस्टमर आईडी दोस्तों आप जहाँ से लोन ले आए हैं, जो भी मनप्पुरम का ब्रांचेस से आप लोन ले हैं दोस्तों, वहाँ से आपको कस्टमर आईडी मिल जाएगा और आपको जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है दोस्तों वो भी वो लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको ये सारा चीज़ दोस्तों यहाँ पे वो लोग प्रोवाइड कर देंगे, कस्टमर आईडी आपको प्रोवाइड कर देंगे, मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर देंगे, ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देंगे। उस कस्टमर आईडी को आप कौन प्रोवाइड करेगा दोस्तों, आपका जो भी ब्रांच से लोन लेंगे वो सब मिल जाएगा। वो सब डाल के आपको रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देना। रजिस्टर कंप्लीट होते ही दोस्तों आपको यहाँ पे जो एंटर कस्टमर आईडी जो ये सब देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आपको तीनों में से कुछ भी एंटर कर सकते हैं। आप कस्टमर आईडी भी एंटर कर सकते हो, मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो, ईमेल आईडी भी एंटर कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप रजिस्ट्रेशन के टाइम दिए होंगे वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। वो पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे एमपिन सेट करना है। आप एमपिन एक सेट करना ही पड़ेगा दोस्तों, एमपिन को भी सेट कर सकते हैं। एमपिन सेट करके लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन भी यहाँ पे कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाता है। तो लॉगिन करने के बाद आपको क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलेंगे मैं उसको अभी दिखा देता हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको आपका जो भी गोल्ड लोन है दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप जो भी ब्रांच से गोल्ड लोन लिए होंगे, कितना अमाउंट का गोल्ड लोन लिए होंगे, सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। आप चाहे तो अभी उसको पार्शियल पे भी पेमेंट कर सकते हैं, फुल पे भी पेमेंट कर सकते हैं इस अकाउंट के अंदर। और आपका आईडी में कितना गोल्ड है दोस्तों वो भी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, और इंटरेस्ट रेट क्या है अभी वो भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। फिर आता है दोस्तों यहाँ पे गोल्ड लोन का स्कीम, फिर इंटरनेट अमाउंट, रिप्लेस, बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो रिप्लेस का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, इसी एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं। आपको बस लॉगिन करने के लिए एक बार कस्टमर आईडी आपसे मतलब ब्रांच से आपको जाके ले लेना पड़ेगा। आपको बता दिया हूँ दोस्तों कैसे लॉगिन वगैरह करना है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।